अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एस लेवल्स का नवंबर 2012 का पेपर नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सवाल देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है मॉरिस एंड रेवेल हैव हैड बीन इन पार्टनरशिप। अच्छा, पहले रिक्वायरमेंट भी देख लें। रिक्वायरमेंट ए जो है ना हमारी, वो है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स फॉर ऑल थ्री पार्टनर्स एट 1st of July 2011। कैपिटल अकाउंट बनाना। लिखा हुआ है मॉरिस एंड रेवेल हैड बीन इन पार्टनरशिप फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 1st जुलाई 2011 दे डिसाइडेड टू एडमिट बैच एज अ पार्टनर। बैच पेड $39,000 कैपिटल इन टू द पार्टनरशिप एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड अ मोटर वैन वैल्यूड एट 8,000 फॉर पार्टनरशिप यूज। अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज ड्रॉन अप इफेक्टिव फ्रॉम 1st of July 2011 विच इज स्टेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड बाई मॉरिस रेवेल एंड बैच इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट 5% ऑन एनुअल ड्रॉइंग्स। रेवेल विल रिसीव एन एनुअल सैलरी ऑफ $10,000 पर एनम। गुडविल इन द बिजनेस वॉज वैल्यूड एट $40,000 एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट दिस विल नॉट रिमेन इन द बुक्स। कैपिटल अकाउंट्स बिफोर गुडविल 1st July 2011 मॉरिस $120,000, रेवेल $80,000। तो अब हम इस पार्टनरशिप का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर हम इस पार्टनरशिप का कैपिटल अकाउंट बनाएं, तो हमारे डेबिट साइड पर भी तीन कॉलम्स होंगे बिकॉज तीन पार्टनर्स हैं, और क्रेडिट साइड पर भी तीन कॉलम्स होंगे बिकॉज तीन पार्टनर्स हैं, और वो हैं मॉरिस, रेवेल और बैच। फॉर्मेटिंग का ख्याल आप ऑफिशियल आंसर से देखकर करिएगा, मैं सिर्फ सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। पहली चीज़ है ब्रॉड डाउन। मॉरिस का और रेवेल का, ये दोनों पहले से पार्टनरशिप पे थे, इन दोनों का ब्रॉड डाउन 120,000 और 80,000 पहले से है, ठीक है। इसके बाद बैच बिजनेस में आया, और बिजनेस में आया तो ये 39,000 कैश लेकर आया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 39,000। उसके बाद ये मोटर वैन लेकर आया 8,000, तो मोटर वैन डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 8,000। ये दो चीज़ें वो पार्टनरशिप में लेकर आया। अच्छा, इसके अलावा जो पार्टनरशिप में गुडविल थी वो 40,000 थी, और वो बुक्स में हमें रिटेन नहीं करनी। तरीका ये होता है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसको कैपिटल अकाउंट्स में ऐड किया जाता है, और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया जाता है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दो पार्टनर्स थे उनका था शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि 1:1। तो गुडविल यहाँ पर ऐड होगी, गुडविल डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1:1 के रेशियो में। 40,000 है, 40,000 को 2 से डिवाइड करो और 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 20,000 and 20,000। और यही गुडविल नए वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगी, जो कि 2:2:1 है, विच इज़ 5। तो 40,000 को आप 5 से डिवाइड करो और 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 16,000 रुपये आता है। 16,000 और 8,000, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम अपना अकाउंट्स जो हैं हमारे कैपिटल के जो अकाउंट्स हैं वो हम क्लोज कर देते हैं। मॉरिस जो है उसका 120,000 प्लस 20,000 विच इज़ 140,000,
यहाँ पर भी 140,000 आएगा, उसमें से 16,000 माइनस कर दो, 124,000 का कैरेट डाउन। अच्छा रेवेल के लिए 80,000 और 20,000 यानी कि 1,00,000 आएगा, 1,00,000 में से 16,000 माइनस कर दो विच इज 84,000। उसके बाद बैच के लिए 39,000 और 8,000 विच इज 47,000, इसमें से 8,000 माइनस कर दो तो 39,000 कैरेट डाउन आएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए जो था वो पूरा हो गया। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर एंडेड 30 जून 2012, रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न, परचेजेस, इन्वेंट्रीज 1 जुलाई, इन्वेंट्री 30 जून, जनरल एक्सपेंसेस, करंट अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। एक सिंपल सा इनकम स्टेटमेंट बनाना है, और इनकम स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग का मैं इतना ख्याल नहीं रख रहा, बस मैं इनकम स्टेटमेंट आपको बनाकर बता रहा हूँ। रेवेन्यू जो है इनकम स्टेटमेंट में वो 26000000 का लिखा जाएगा, इसमें से रेवेन्यू रिटर्न या सेल्स रिटर्न को हम माइनस करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 24000000। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी है, 120,000 है। इसमें हम परचेजेस को ऐड करते हैं, परचेजेस कितनी है, 16250000 है, 16250000। क्लोजिंग इन्वेंट्री को या क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं जो कि 145,000 है, तो हमारा जो नेट अमाउंट आएगा वो होगा 120 प्लस 1625 माइनस 145 विच इज 1600,000। ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 24000 माइनस 16000, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 800,000 का। और इसमें से फिर जनरल एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, जो एक्सपेंसेस हैं वो 480,000 के हैं, 480,000 के एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, 480,000 के एक्सपेंसेस जब माइनस होंगे तो 320,000 का मेरा प्रॉफिट बच जाता है, ये प्रॉफिट है। इसके बाद लिखा हुआ है प्रिपेयर दी एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये दिखाया जाता है कि ये जो प्रॉफिट हमने कमाया है ये कैसे बटेगा। तो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं, अगेन मैं फॉर्मेटिंग टाइटल्स वगैरह का ख्याल नहीं रख रहा, वो आप लोगों ने फॉर्मेटिंग देखनी है, जो मेरा प्रॉफिट है वो 320,000 है। अब ये प्रॉफिट कैसे बटेगा इसकी कैलकुलेशंस करनी है हमें, तो हम ज़रा सवाल पर आते हैं वापस। इसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 5% ऑन एनुअल ड्राइंग्स। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो मैं उससे 5% इंटरेस्ट लूँगा, ये मेरे प्रॉफिट में ऐड होता है। हम पार्टनर से इंटरेस्ट लेते हैं इन ऑर्डर टू डिस्करेज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स का मतलब है पार्टनर घर पैसा ले जाए। तो ड्राइंग्स हुई कितनी है, ये रही मॉरिस की 96,000, रेवेल की 120,000 और बैच की 35,000। तो हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमारे पास मॉरिस है उसका ऐड होगा
96,000 इंटू 5%, 96,000 इंटू 5% बनता है आपका 4,800। हमारे पास रेवेल है, रेवेल की जो ड्राइंग्स है वो 120,000 है, तो 120,000 का 5%, 120,000 का 5% इज 6,000। हमारे पास बैच है, बैच का 35,000, 35,000 का 5%, 35,000 का 5% इज 1750। ठीक है, तो 4,800 प्लस 6,000 प्लस 1750 इज 12550, 12550। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, हम पार्टनर्स से लेते हैं इन ऑर्डर टू डिस्करेज ड्राइंग्स। इसके बाद अगली चीज क्या है, ये पॉइंट तो हो गया। अच्छा, रेवेल विल रिसीव एन एनुअल सैलरी ऑफ 10,000। रेवेल एक पार्टनर है, वो काम भी करता होगा तो उसको सैलरी मिलती है 10,000 की। तो यहाँ पर हम सैलरी लिखेंगे, सैलरी जो है वो रेवेल की है और 10,000 है, वो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट्स में से ये 10,000 रुपये माइनस कर रेवेल को दे दिए गए होंगे। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 10% पर एनम। पार्टनर्स को जो है वो अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पर इंटरेस्ट दिया जाता है ताकि जिसकी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो उसको उस उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। तो हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं और उनका अमाउंट आ रहा है 124,000, 84,000 और 39,000, 124,000, 84,000 और 39,000, ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स थी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मॉरिस रेवेल बैच। मॉरिस का जो कैपिटल था वो 124,000 था, इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो 10% है, तो 12,400 बनता है। रेवेल का जो कैपिटल था वो 84,000 था, उस 84,000 का 10% जो है वो 8,400 बनता है, और बैच की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 39,000 थी, 39,000 का जो 10% है, 39,000 का जो 10% है वो 3,900 बनता है। 12,400 प्लस 8,400 प्लस 3,900 इज 24,700। तो अब देखते हैं कि मेरे पास पीछे कितना प्रॉफिट बच जाता है। 320,000 रुपीस प्रॉफिट कमाया था, प्लस 12550 पार्टनर से लिया टू डिस्करेज ड्राइंग्स, माइनस 10,000 रुपये रेवेल की सैलरी हो गई, और 24700 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अभी भी बच जाता है हमारे पास 297850। ये जो 297850 बच जाता है, ये जो है वो प्रॉफिट शेयर हो जाएगा इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मॉरिस रेवेल एंड बैच। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने ऊपर देखा था 2:2:1 है, देयरफॉर 297850 डिवाइडेड बाय 5 × 2 व्हिच इज 119140, 119140 सेम वर्किंग रेवेल की है, और 297850 डिवाइडेड बाय 5 × 1 यानी कि 59570 जो है वो बैच के हैं, 59570, और इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये 297850 बनता है। ये इन तीनों को मिल गया और नील रह गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमने पार्ट टू भी कर लिया, सी भी कर लिया,
अच्छा नहीं, सी नहीं किया हमने। सी में कहता है प्रिपेयर द करंट अकाउंट्स फॉर ऑल थ्री पार्टनर्स एट 30 जून 2012, यानी कि ये सारी चीज़ें होने के बाद पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाने हैं। तो करंट अकाउंट बनाते हैं अब हम। करंट अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। इसमें पार्टनर्स को ये जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सारी चीज़ें मिली हैं वो रिकॉर्ड करी जाती हैं। तो हम करंट अकाउंट बनाते हैं, इसका एक ब्रॉड डाउन होगा। करंट अकाउंट जो है उसमें मॉरिस और रेवेल का ब्रॉड डाउन है 17,000 और 12,000। बैच क्योंकि नया बंदा आया था तो उसका कोई ब्रॉड डाउन नहीं है, ठीक है। अच्छा, मॉरिस का 17,000 क्रेडिट है लेकिन रेवेल का 12,000 डेबिट है। तो जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे, मॉरिस रेवेल बैच, मॉरिस रेवेल बैच, एक ब्रॉड डाउन तो 17,000 मॉरिस का यहाँ पर आ रहा होगा बिकॉज क्रेडिट है, लेकिन रेवेल का जो ब्रॉड डाउन आ रहा होगा 12,000 वो डेबिट साइड पर आ रहा होगा बिकॉज लिखा हुआ है कि वो डेबिट है। इसके बाद जो जो चीज़ें इन लोगों को मिली हैं वो एड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये इनसे चार्ज किया था 4,800, 6,000 और 1,750, ठीक है। चार्ज किया था तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और अमाउंट थी 4,800, 6,000 और 1,750। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उससे करंट अकाउंट का बैलेंस कम होता है और करंट अकाउंट का बैलेंस तब कम होता है जब हम उसको डेबिट करें। अच्छा, इसके बाद रेवेल को सैलरी मिली थी, सैलरी मिलेगी तो करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। सैलरी सैलरी और रेवेल की सैलरी है 10,000 यहाँ पर लिखी जाएगी। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन सबको मिला था, इनकी इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिला, जो कैपिटल के बैलेंस पर इनको अमाउंट मिला वो 12,400, 8,400, 3,900। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,400, 8,400 और 3,900, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट शेयर्स है 119140, 119140 और 5,957। प्रॉफिट शेयर 119140, 119140 और 5,957, 0, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग्स की बात करते हैं। ड्राइंग्स भी करंट अकाउंट में आ जाती हैं बिकॉज ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्यूरिंग द ईयर जो आपने पैसा निकाला तो उससे आपका करंट अकाउंट का बैलेंस कम होता है। ड्राइंग्स जो है वो 96, 120 और 35 है। 96,000, 120,000 और 35,000 है, ठीक है। ये सारी हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हम कैरी डाउन ब्रॉड डाउन्स देख लेते हैं कि क्या बनते हैं। एक एक पार्टनर का अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं। मॉरिस जो है उसकी क्रेडिट साइड जो है वो 17,000 + 12400 + 119140 टोटल बन रही है 148540, 148540, 148540। इसमें से 4,800 और 96,000 को मैं माइनस कर देता हूँ तो इसका कैरी डाउन 47740 बनता है। यानी कि ब्रॉड डाउन यहाँ पर आएगा 47740। अच्छा, रेवेल का क्या है, रेवेल का जो है वो डेबिट साइड हैवी लग रही है 12,000, 6,000, सॉरी रेवेल की भी जो एक मिनट, डेबिट साइड जो है उस पर 120,000, 6,000 और 12,000 यानी कि टोटल है 138,000। और क्रेडिट साइड पर क्या है, 10,000 है और 8,400 और 119140 है, ये माइनस किया तो 460 का
कैरी डाउन इधर आ रहा है, यानी कि यही ब्रॉड डाउन होगा 460। बैच का क्या है, 3900, 59570, टोटल 63470 जो है वो यहाँ पर आ रहा है 63470, 63470, और इसमें से मैंने 1750 को और 35000 को माइनस किया तो 26720, 26720, ठीक है भाई। यानी कि इसका ब्रॉड डाउन जो है वो 26720 यहाँ पर आ रहा है। अच्छा भाई, इसके बाद अगला पार्ट बोलता था, द पार्टनर्स आर नाउ कंसीडरिंग चेंजिंग द बिजनेस फ्रॉम अ पार्टनरशिप टू अ लिमिटेड कंपनी, एक्सप्लेन टू द पार्टनर्स द मीनिंग ऑफ द टर्म लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप जो है उसको मैं कंपनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और सवाल ये कहता है कि ये जो टर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी जो कंपनीज के आगे लिखी हुई होती है, इसका क्या मतलब है। देखो, जब हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं ना, तो पार्टनर्स जो होती हैं, पार्टनर्स जो होते हैं उसकी लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। लिमिटेड पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं और जनरल पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती हैं। लिमिटेड लायबिलिटी अगर कहीं टर्म लिखी भी है तो उसका ये मतलब होता है कि इन केस अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, कंपनी डिसॉल्व होती है और मज़ीद पैसों की ज़रूरत चाहिए, मज़ीद पैसे चाहिए पे ऑफ करने के लिए डेट्स को, तो पार्टनर्स के या जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनके पर्सनल एसेट्स को मैं यूज़ कर उन क्लेम्स को सेटिस्फाई नहीं करूँगा। ठीक है, चलें जी, अब आप इस सवाल को कर लीजिएगा कॉपी, बहुत शुक्रिया।